आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज मुरादाबाद में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज मुरादाबाद में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने कांट तहसील पहुंचे संजय सिंह ने प्रदेश में महिला और बच्चियों पर हो रहे अपराधों पर चिंता जताने के साथ ही किसानों को जेल भेजे जाने की घटना की निंदा की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है और अब प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इनकी सरकार में किसानों और जवानों का लगातार अपमान हुआ है और जनता आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, अभी कल की जो घटना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है पराली के नाम पे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें MSP पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है, और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनके कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कालर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो पहली बात तो ये है, इस वक्त किसान उत्तर प्रदेश में बदहाली की मार झेल रहा है, MSP ना मिलने की वजह से रो रहा है, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम लोग अपराधीकरण की करें तो आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है, और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का, पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है, और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो, आपके बगल का जिला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपए का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको ये शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए, और महामारी में आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की ये हालात हैं, और इसी को लेके आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आज अनुज जी अपने तमाम साथियों के साथ पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी, और आज इनके यहाँ भी एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ काट में जुड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा, लाखों की संख्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं,
स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहे हैं और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाए के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज़्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर हम लोग काम